तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। जब देखे मैकेनिक कूटूचर में आपके लिए फिर से वीडियो लिखा है। देख सकते हैं मेरे पास न्यू मशीन जो आई है बनने के लिए। तो भाई जैसे मशीन अभी कहीं चला भी नहीं, देख सकते हैं पूरा नई मशीन है एकदम। तो इसमें क्या दिक्कत है मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो जैसे इसको चालू जैसे चालू किया, एक बार चालू हुआ दोबारा ये चालू नहीं हुआ। तो ये मेरे पास बनने के लिए जहाँ मशीन जैसे बेचते हैं वो मेरे पास लेके आया कि इसको देखो क्या हुआ है। तो मैं आप लोग को चालू करके आपको खुद सामने दिखाऊंगा इसमें क्या दिक्कत है। तो देख सकते हैं मैंने फिल्टर खोल लेता हूँ क्योंकि इसका बहुत किक मैंने मारा, जैसे बहुत किक मारा चालू भी नहीं हुआ। तो मैं आप दिखा देता हूँ इसका फिल्टर खोल के। पहले अगर आप नई मशीन लेते हैं ऑनलाइन कहीं भी लेते हैं तो आप ऐसे दिक्कत हो तो घबराना नहीं है, तो आपको चेक करना है पहले कि इसमें क्या खराबी है क्या खराब, क्योंकि जैसे कंपनी से भी आ जाती है ऐसी दिक्कत, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं प्लग भी खोल लेता हूँ यहाँ पर, देखें प्लग भी नहीं। तो यहाँ पर अगर ऐसी दिक्कत हो तो पहले नंबर मशीन को आपको ऐसे उल्टा करना है, इस तरीके से ऐसे उल्टा करके तब तो उसके बाद लगाना है। देख सकते हैं जैसे मशीन दो तीन बार भाई किक मारता है, जैसे बटन ऑफ हो जाता है, कहीं चोक लेके मार देते हैं तो मशीन इसे ओवरफ्लो हो जाता है, तब ऐसे दिक्कत आता है। तो आपको जैसे यहाँ जैसे ओवरफ्लो भी नहीं हुआ, देख सकते हैं कहीं भी पेट्रोल नहीं निकला। तो मैं करंट चेक कर लेता हूँ, करंट से तो नहीं दिक्कत है। तो यहाँ देखा, यहाँ देख सकते हैं यहाँ मशीन में जैसे करंट ही नहीं आ रहा है, तो मैं इसका करंट चेक करूँगा। देख सकते हैं स्विच भी ऑन है, यहाँ पर स्विच एकदम बटन ऑन है। और फिर इसका जैसे खोलूँगा मैं जो स्टार्टर जो होता है, स्टार्टर यहाँ पर जो चार नंबर जैसे स्टार्टर को मैं खोलूँगा, कहीं करंट से कहीं तार दबा होगा इसीलिए दिक्कत, क्योंकि नई मशीन में कहीं भी दिक्कत आ सकती है क्योंकि करंट इसका आ रही है रहा है। तो आप लोग को चलता हूँ दिखाता हूँ करंट। तो देख सकते हैं गाइस मैंने यहाँ पर पूरा इसका जो स्टार्टर होता है खोल लिया, तब मैं दिखा दूँ यहाँ पर किस कहाँ से दिक्कत है। देख सकते हैं ये जो तार होता है यहाँ पर, देख सकते हैं दवा तार हुए, तो इसको मैं ऊपर कर देता हूँ क्योंकि ऊपर रहेगा कहीं सटा उटा तार रहेगा तभी करंट नहीं देगा। तो मैं इसका लंकी से इसका बोल्ट चेक कर लेता हूँ, कहीं बोल्ट तो नहीं ढीला है। इसका बोल्ट बराबर से टाइट है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं फिर से एक बार लगा के देखूंगा स्टार्टर, क्योंकि ये तार नीचे से इसमें सटा था इसीलिए दिक्कत दिखा रहा था। तो मैं इसको स्टार्टर को लगा देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसका इसका स्टार्टर भी खोल दिया, यहाँ पर स्विच भी चेक किया तब भी करंट नहीं आया। तो मैं इसका जिससे कवर इसका हेड वाला जो कवर होता है इसको मैं खोल के फिर से क्लीन आपको दिखाता हूँ। यहाँ से कहीं तार तो नहीं कटा है कि कॉयल ख़राब है, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। चलता हूँ खोलता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसका कवर भी खोल लिया पूरा। तो फिर इसके बाद चेक करता हूँ इसको स्टार्टर के मैं लगा लेता हूँ यहाँ से। अब यहाँ से यहाँ पर देख सकते हैं मैंने इसका बोल्ट खोल लिया, इस कॉइल को निकाल लेता हूँ। तो देख सकते हैं गाइस यही कॉइल है, यही कॉइल से दिक्कत है। तब मैं दूसरा कॉइल लगा के आप लोग को अगली वीडियो में दिखाऊंगा कैसे लगाना है। तो इसी कॉइल से दिक्कत है, तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं यहाँ पे कॉयल मैंने लगा दिया, तो यहाँ पे दो पीस लगता है जिसे खोलने के लिए बताया था, इसी टाइप में इसको टाइट कर देना है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं तार लगता है, तार को भी ध्यान में रखना है, तार को लगा लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं इसका पलक उलग जो साइड में सबको इसको ऐसे अच्छे से लगा लेना। मैं इसको देख सकता हूँ अभी लगा के इसको टाइट कर दिया हूँ, तब फिर इसको स्टार्ट करता हूँ। देख सकते हैं इसका करंट चेक करता हूँ, तब आप लोग को दिखाता हूँ। फिर आप लोग को करंट चेक करके दिखाता हूँ।
करंट देख सकते हैं मेरा पूरा फुल आ चुका है, तो मैं आप लोग को चालू करके इसको दिखाता हूँ। तो देख सकते हैं मशीन को मैंने इसको बांध दिया, तो फिर आप लोग को मैं चालू करके इसको दिखाता हूँ किस तरीके से चालू। देख सकते हैं प्लग भी टाइट कर दिया, अब इसको चालू करना है तो चालू करता हूँ। यहाँ पर मैं एक पैर से दबा लेता हूँ, एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हूँ, एक हाथ से स्टार्ट करता हूँ। भाई देख सकते हैं